हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत, अब बात कर लेते हैं गुपकार साजिश की। जी हाँ, देश के खिलाफ गुपकार गैंग साजिश करने में जुटा है। जम्मू कश्मीर में नजरबंदी से रिहा होते ही एक बार फिर से नेता माहौल खराब करने में जुट गए हैं। क्या है ये गुपकार गैंग, देश और कश्मीर के गद्दार? गुपकार गैंग की पूरी कुंडली इस रिपोर्ट में। गुपकार पर जम्मू कश्मीर में घमासान। गुपकार पर गरमाया सियासी माहौल। गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का, अलगाववादियों का और आतंकवादियों का एजेंडा है। देश विरोधी साजिश का सजने लगा अड्डा। कोई जमीन तलाशने में जुटे घाटी के नेता। वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए। गुपकार गैंग का नापाक गठबंधन। कश्मीर घाटी में सर्दी की शुरुआत हो रही है, पारा गिरने लगा है, लेकिन गुपकार गैंग से जैसे ही पहरा हटा, घाटी में आग लगाने के लिए पेट्रोल जुटाने का काम शुरू हो गया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी खत्म होते ही अचानक सियासी हलचल तेज हो गई। गुरुवार को पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के घर पर बैठक हुई और राज्य में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए दोबारा लड़ाई का संकल्प लिया गया। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले जरा इन तस्वीरों पर गौर कर लीजिए, जिससे आप आगे का गणित आसानी से समझ पाएंगे। हमारी जद्दोजहद जो है वो इसी पे मबनी है कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो है सारे हकूक दिए जाएं जो हमारे से छीने गए हैं। 82 साल के फारूक अब्दुल्ला को बोलने के लिए बेटे उमर की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है। उमर जो जो बोल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला उसको दोहरा रहे हैं। दरअसल गुपकार समझौता इन नेताओं के लिए बैसाखी ही है, जिसके सहारे ये अपनी खोई या यूं कहें लुटी जमीन तलाशने में जुटे हैं। दशकों तक हम भारतीयों के बीच इस आर्टिकल 370 ने एक अस्थायी दीवार बना रखी थी। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास की राह में सबसे बड़े रोड़े 370 को जमींदोज कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की पार्टी समेत घाटी की 6 पार्टियों ने 370 खत्म करने के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई का संकल्प लिया, लेकिन सुरक्षा कारणों से सभी बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। मार्च में पहले फारूक अब्दुल्ला और फिर 10 दिन बाद उमर अब्दुल्ला की भी रिहाई हो गई, लेकिन सब कुछ ठंडा ही रहा। अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद अचानक गुपकार का राग गाया जाने लगा है। गुपकार क्या है ये बताने से पहले कल की बैठक में लिए गए फैसले को समझ लीजिए। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग। जम्मू कश्मीर को बांटकर लेह लद्दाख अलग करने का विरोध। वो जम्मू कश्मीर का अभी भी काबिर उसकी हल अभी नहीं हुआ, हल तलब है। उसके लिए भी हम चाहते हैं कि कदम उठाया जाए कि इसका सियासी हल जो है वो ढूंढा जाए। गुपकार क्या है वो भी समझ लीजिए। डल लेक के किनारे शंकराचार्य हिल के पास गुपकार रोड श्रीनगर का सबसे पॉश इलाका है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का घर इसी सड़क पर है, इसलिए इस समझौते को गुपकार नाम दिया गया है। बादामी बाग को डल लेक से जोड़ने वाली इस सड़क के ऊपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर से लेकर आईबी हेडक्वार्टर और सेना मुख्यालय तक है। शंकराचार्य की पहाड़ी के दामन में बसे इस इलाके को सबसे सुरक्षित और पॉश इलाका माना जाता है। लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट और दिल्ली के रेसकोर्स रोड की तरह इस सड़क की तुलना श्रीनगर में की जाती है। कश्मीर के राजा हरि सिंह की सड़क भी इसे कहा जाता है। करण सिंह का महल और हरि सिंह का हरि निवास भी इसी सड़क पर है। बीजेपी गुपकार समझौते को पाकिस्तानी एजेंडा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि 370 किसी कीमत पर वापस नहीं हो सकता। धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। धारा 370 कयामत की सुबह तक वापस लागू नहीं होगा।
जितना मर्जी चिल्ला लें, ये अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार, इन्होंने सिर्फ कश्मीर का बंटाधार किया है। 370 बहाल करने के लिए जहां एक तरफ गुप्कार गैंग एकजुट हो रहा है, वहीं सड़कों पर भी विरोध शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां कश्मीर के सभी राजनीतिक दल गुप्कार डिक्लेरेशन पर बातचीत करने के लिए जमा हुए हैं, वहीं इस गुप्कार डिक्लेरेशन के खिलाफ जम्मू में लोगों का रोष सड़कों पर है। गुप्कार डिक्लेरेशन एक धोखा है, इस तरह के नारे यहां लगाए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के जो पुतले हैं, जो पिक्चर्स हैं, जो तस्वीरें हैं, वो जलाई गई। गुप्कार समझौते के खिलाफ ये शुरुआत भी है। राज्य में इस पर सियासी गर्मी और बढ़ने वाली है। हाय हाय,